देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गांधी धाम कॉलोनी की निवासी एक महिला ने अपने ससुर पर गलत नियत से पकड़ने, गलत बोलने और मारपीट करने का आरोप लगाया है। रामपुरा पुलिस चौकी को दी शिकायत में महिला ने बताया कि उसके पति का पिछले दिनों बिलासपुर रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, वे चल नहीं सकते। उसने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। उसने आरोप लगाया कि शाम को उसका ससुर आया और उसे उल्टा सीधा बोलने लगा, उसे बुरी नियत से पकड़ा जिसमें उसका दुपट्टा भी फट गया। आरोप है कि इस दौरान उसका देवर भी मौके पर मौजूद था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जोली की रिपोर्ट। क्या नाम है उनका, कहाँ की रहने वाली? गंदीधाम एक नंबर। तो ऐसा क्यों किया, क्या वजह रही? अरे तू अपने घर लेके जा, यहाँ हमारा कुछ नहीं लगता है। अपने मायके में लेके जा उसको। उसने मेरे कपड़े कपड़े फाड़ दिए, उसने मेरा प्रथ भाई कही कीर्तन सर का हॉस्पिटल थे। अपने घर वाले गाड़ी में छुट्टी करा के ले गए 8 तारीख को जी। तो क्या हुआ था आपके घर वाले? क्या मेरे घर वाले का एक्सीडेंट हो गया था सर पिछले महीने की 6 तारीख को जी। जब से ट्रीटमेंट वहीं कर देगा हॉस्पिटल में उसके, ताकि घर वाले कुछ नहीं करा, ना किसी ने देखा हो जाके, ना कुछ करा जी। ठीक है, वहीं पर अच्छा था गांधी धाम में रात्रि में जी एक नंबर गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। उनके घर के मतलब इधर जाए तो जी उनको फिर मैंने छुट्टी कराई। जैसे 8 तारीख को मैंने छुट्टी कराई थी उनको गब हॉस्पिटल से, तो मैंने घर पे लेके गई उसको जी। जैसे मैंने एम्बुलेंस वहाँ पे खड़ी करिया, मैं मतलब एम्बुलेंस में से मैं उतरी, जैसे तो मैंने कहा पापा जी मैं उसको लेके आई हूँ, राजू को भी उसको वहाँ पे लिटाना है। कह रहे उसको क्यों लेके अपने घर लेके जा उसको। मेरा देवर भी बोल लिया भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका भी अपने घर लेके जा। तो इसके लिए आगे जमुना में डाल के भी इसको या तो जमुना में डाले, उसको डर इसको ऐसे ही बांध जुड़ के जमुना में डाले। मेरे ससुराल वाले बोले जी, सोरा बोला मेरा, तो जी उसने मेरे को ये कहा जी कह रहा तू चली जा यहाँ से लेगा। तो मैंने जबरदस्ती वहाँ मैंने लटा दी अपने कमरे में, जहाँ मेरे कमरे थे वहीं पर रहती हूँ गांधी धाम में जगा दी मुझे। तो जी उन्हें ससुर ने मेरे आगे जैसे मैं इधर से, तो उन्हें मेरे कपड़े पे हाथ डाल दिया जी, उन्हें मेरे कपड़े पाड़ दिए यहाँ से जी छड़ी। ठीक है जी, फिर उसमें मेरे छड़ी से मारा जी, अपनी लाठी से मारा उसने मेरे को। मैंने कहा पापा जी ऐसे ना करो आप, थोड़ा आराम से बात कर लो आप। अरे बीच में मेरी बहन है, मेरी बहन को भी मारा उसने। राजपाल मेरे घर वाले का नाम है जी, उसको मैं गांधी धाम में लेके थी छुट्टी करा के गब हॉस्पिटल। तो कहीं आपने पुलिस में भी इसके खिलाफ कोई शिकायत दी है? हाँ जी, पुलिस में शिकायत दी थी मैंने सिटी थाने में जगा दी थी। अभी 3 दिन हो गए कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वालों ने जी। कभी कह रहे हो घर पे नहीं है, कभी कह रहे फोन नहीं उठा रहे, कभी कुछ कह रहे। एक महीनों के कपड़े पाड़ना आसान बात थोड़ी है, किसी की इज्जत पे डाल डालना, सारे घरों को धमका के रखा जी। कोई कहता है जी तुम मेरे साथ रहो आप, फिर मैं तेरे को पर्चा पड़ेगा, ऐसे ऐसे बोलता है मेरे को। उसको कड़ी से सड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके ससुराल जा रही थी जी, इसके घर वाले का एक्सीडेंट हो गया था जी, क्योंकि छुट्टी करा के इसके ससुराल छोड़ देने जा रहे थे जी। मेरे घर वाला था जी मेरे साथ, वहाँ सिस्टर थी जी, तो इनके वहाँ जाके जी घर के आगे एम्बुलेंस रोकी, तो अंदर से इसका ससुर आया जी। उसके ससुरे ने मना कर दिया यहाँ पे नहीं उतारना, अपने घर लेके जाओ या बांध जोड़ के इसको जमुना में पधरा दो जी। कहा माँ ने कहा जी आपका ही बेटा है जी, यहीं जामे हो जी, आप ही रखेंगे इसको। तो उसने मेरी बहन के ऊपर एक छड़ी ले रहा था जो अब जाने शुरू कर दी जी, मतलब इसके कपड़े कुपड़े फाड़े जी, मेरे भी बहुत चोट ने मारी हैं जी उसने। तो क्या मतलब मेरा कह रहा है तू लेके चली जा इसको यहाँ से, यहाँ नहीं आना। मेरे जवाब ने भी ऐसे बोला नहीं। तो क्या वो मतलब आपके साथ ठीक नहीं रहते आपके पति? कोई ठीक रहते, 3 दिन से हमने दरख्वास्त दी हुई जी, कोई मारी सुनवाई नहीं हुई है जी, उल्टा मार कोई दम कह रहे हैं जी, कहते हैं कि तुम अंदर जाएंगे, एडमिट कराया बताओ जी, हमारे चोट लग रही तो हम कैसे अंदर जाएंगे। जो हमारी मेन जो हमारी कमी होंगी जो मैंने अंदर कर दो जी, हम खुद अंदर जाएंगे जी। जो लेडीज की नई कार्रवाई है जी, जेंट्स की है तो जेंट्स को बचा के रखो, लेडीज को मार देंगे। जो कल मार को मार देता कुछ कर देता फिर तो पुलिस कार्रवाई करती, अब तो उसको बुजुर्ग समझ के वो कह रहे बुजुर्ग है बुजुर्ग है, बुजुर्ग ने मारते हैं। मेरा भी छोटा सा बच्चा है जी, मेरे टांगा वहाँ तोड़ी पड़ी है। तो इसके अलावा कहाँ कहाँ चोट लगी आपको जी? मेरे को ये लगी हुई जी टांग पे लगी हुई, हाथ पे लगी हुई,
ये इधर लगी हुई जी। तो जानलेवा हमला किया आपके ऊपर? जी सर। तो उसके पोते ने भी कहा जी हम तम को जान से मार देंगे, जब मारने की धमकी दे रही सर जी, वो तीन चार बंदों ने लेके आया था अपने साथ में। तो ये इंसाफ चाहिए जी, ताकि ये मतलब बुजुर्ग आदमी अंदर ही जाए जी, जैसे इन्हें हमारे साथ हमला किया, हम भी किसी की बेटी हैं जी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।